तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए रबिया के ब्लॉग्स को और पाइए ज़बरदस्त शानदार रेसिपीज़ तो हमारी आज की रेसिपी है मार्केट स्टाइल मोमोज़ तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मार्केट स्टाइल मोमोज़ कैसे रेडी किया जाता है घर पे तो जो ये मोमोज़ होता है ये वन ऑफ द क्वीन्स ऑफ नेपाल तो ये नेपाल और तिब्बत से ही बिलोंग करता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी यहाँ पर मैंने लिया है टू कप्स ऑफ ऑल पर्पज़ फ्लार यानी कि मैदा वन टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू ऐड वन टेबल स्पून ऑफ ऑयल हेयर आई एम यूजिंग रिफाइंड ऑयल मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल मैंने यूज़ किया है और वन कप यहाँ पर मैंने टैप वाटर यूज़ किया है सो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आ, अच्छा सा डो रेडी करना है तो जो मोमोज़ का डो हम रेडी करते हैं वो थोड़ा सा टाइट होता है तो आप इसमें ग्रेजुअली वाटर पोर करते जाइए एज़ पर योर नीड तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डो रेडी कर लिया है अब मैं इसको उस पर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करूँगी एंड देन 15 मिनट्स के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी यहाँ पे मैंने लिया है ऑमलेट कट मैंने अनियन को चॉप कर लिया है हाफ कप अनियन है यानी कि एक मीडियम साइज़ और हाफ कप यहाँ पर मैंने ग्रेटेड कैबेज है पत्ता गोभी को मैंने ग्रेट कर लिया है और गार्लिक्स हैं चार से पाँच कलियाँ उनको मैंने चॉप कर लिया है फाइनली और यहाँ पे नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हाफ कप ऑफ ग्रेटेड कैरेट तो मैंने इस तरह से यहाँ पर कैरेट को ग्रेट कर लिया है ग्रेटर की हेल्प से यहाँ पे मैंने कैरेट को ग्रेट कर लिया है ये तकरीबन हाफ कप है यानी कि एक मीडियम एक साइज़ की कैरेट है ये नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक वन टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड हाफ टी स्पून ऑफ़ पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च पाउडर तो अब मैं एक पैन में थ्री टेबल थ्री टेबल स्पून ऑफ ऑयल हीट करूँगी तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है आप चाहें तो रिफ़ाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं तो फ्रेंड्स जब ये जब ये ऑयल जो है हीट हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी गार्लिक क्लोव्स जो चॉप की हुई गार्लिक रखी है वो मैं इसमें ऐड करूँगी और एक दो सेकंड बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी अनियन और दो से तीन मिनट के लिए मैं इसको सौते करूंगी हमें जो अनियन को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है उसको सिर्फ ट्रांसलूसेंट करना है यानी कि हमें सिर्फ अनियन को सॉफ़्ट होने तक सौते करना है इसमें आपको तीन दो से तीन मिनट से ही लगेंगे तो आप स्टर करते हुए इसको सौते कर ले सौते कर लीजिएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो से तीन मिनट्स हो चुके हैं सौते करते हुए अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सारी वेजीज़ और सारे इंग्रेडिएंट्स इंक्लूडिंग सॉल्ट एंड पेपर तो यहाँ पे मैंने गाजर पत्ता गोभी नमक और काली मिर्च ऐड कर दी है सो फ्रेंड्स यहाँ पे वेजीज़ को भी आपको दो से तीन मिनट्स के लिए एक्स्ट्रा फ्राई करना है देन यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ वन टीस्पून ऑफ़ सोया सॉस डार्क सोया सॉस मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ तो मैंने वन टीस्पून लिया है अगर आपके पास लाइट सोया सॉस है तो आप टू टू टी आप उसको ऐड करिएगा तो सोया सॉस ऐड करने के बाद मैं उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी अगेन आप इसको टू टू थ्री मिनट्स के लिए सौते करिए सॉरी स्टफ फ्राई कर लीजिए तो ये जो आपका फिलिंग है मोमोज़ को तो ये स्टफिंग है जो वो रेडी हो चुकी है तो चलिए हम अपना जो हमारा जो डो रेडी करके मैंने रखा था मैं इसमें कुछ पंचेज और लगा देती हूँ तो जिससे कि जो हमारा डो है वो सॉफ्ट और स्मूद हो जाए सो so फ्रेंड्स अब मैं आपको मोमोज़ का शेप देना बताने जा रही हूँ तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक लेमन के साइज़ का आपको पैटी लेना है और उसको अपने हैंड्स को ग्रीसी करके पाम को ग्रीसी करके एक बॉल बना लेनी है अब आप एक रोलिंग पिन यानी कि बेलन के हेल्प से इसको इस तरह से आप राउंड शेप दे लीजिए नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने वन स्पून यहाँ पे फिलिंग ले ली है और इसको बिल्कुल सेंटर पे आपको इसके रखना है अब आपको यहाँ पर प्लीटिंग स्टार्ट करनी है तो देखिएगा प्लीटिंग इस तरह से स्टार्ट होगी जब एक प्लीट कंप्लीट हो जाए देन आप दूसरी प्लीट स्टार्ट करिएगा तो जैसे कि आप सारी में प्लीटिंग देते हैं या आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको प्लीटिंग लेनी है ये बहुत ही ईजली हो जाता है इसके को कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है देन जब वो सारी तरफ़ से आप प्लीटिंग कर चुके हैं सब ये डन हो जाए तो अब आप इसको इस तरह से पकड़ करके अपने मोमो को सील कर दीजिए इसको कस के प्रेस करिए उसके बाद इसको आप सील कर दीजिए सो तो दैट तो जो इसकी स्टफ़िंग है वो बाहर नहीं निकले तो यहाँ पे देखिए हमारे मोमो का शेप रेडी हो गया है तो है एक टाइप का शेप अब मैं आपको एक दूसरे टाइप का शेप बताने जा रही हूँ कि उसको शेप कैसे देना है सो फ्रेंड्स अगेन आपको यहाँ पर फिलिंग लेनी है इस तरह से आपको रोल करना है देन आपको प्लीटिंग देनी है बट यहाँ पर आपको पूरे में प्लीटिंग नहीं देनी है आपको सिर्फ हाफ पोर्शन में ही प्लीटिंग देनी है और जो हाफ़ पोर्शन है इसका जो इसमें प्लीटेड जो प्लीटेड नहीं है तो उसको आप इस प्लीटिंग वाली साइड से इस तरह से आप ज्वाइन कर दीजिए और उसको टाइट प्रेस करके इसको सील कर दीजिए तो ये हमारा हो गया सेकेंड टाइप का मोमो अब मैं आपको एक और तरह का मोमो का शेप दे बताने जा रही हूँ वो सबसे यू कैन सी कि वो इजीएस्ट वे है एक मोमो को शेप देने का तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इस तरह से बिल्कुल दोनों इस इस तरह से आपको पोशन को एक दूसरे में जॉइंट करके सील कर देना है और उसको फिर आप अच्छे से सील करिएगा कि जो स्टफिंग है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए अब आप इसको दोनों सेंटर को पकड़ करके दोनों एजेस को पकड़ के आप उसको एक दूसरे में कंबाइन कर दें मर्ज कर दें और उसको आप टाइटली प्रेस कर दें तो ये आपका हो गया एक थर्ड थर्ड टाइप का मोमो तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कुछ मोमोज रेडी कर लिए हैं यू कैन सी यहाँ पर मैंने डिफरेंट मेथड से बनाए हुए यहाँ पर मोमोज हैं तो चलिए अब मैं इसको स्टीम इस के लिए रेडी करती हूँ तो स्टीम में आपको एक गहरा पॉट लेना है उसमें आपको उसके बॉटम में आपको वाटर रखना है इतना वाटर रखना है कि वो आपके मोमोज़ को टच ना करें देन आपको उसके ऊपर एक छन्नी टाइप की रखनी है इस तरह की तो आपको ध्यान रहे जो ये नीचे जो वाटर है जो आपने लिया है वो इसको इसको सीफ को टच नहीं करना चाहिए वो तो जब आपका जो वाटर है जब वो बॉयल हो जाएगा तो आप उसमें जो ये मोमोज हैं इस तरह से प्लेस कर दीजिएगा वन बाय वन करना है आपको एक दूसरे से अटैच मत करिएगा एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे मैंने अपने हाफ़ मोमोज़ रख दिए हैं बाकी के हाफ मैं इसमें बाद में स्टीम करूँगी तो यहाँ पर आपको इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए आपको इसे स्टीम करना है तो आफ्टर 12 मिनट्स मैंने यहाँ पे देखा कि जो हमारे मोमोज़ हैं वो स्टीम्ड हो गए हैं इसका इसकी पहचान ये है कि जो आपके मोमोज जो मोमोज़ होंगे तो वो ट्रांसलूसेंट हो जाते हैं मींस वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं थोड़े थोड़े तो ये इसकी पहचान है कि आपके मोमोज़ स्टीम्ड हो गए हैं तो यहाँ पे मैंने मोमोज़ को ट्रांसफ़र कर लिया है एक प्लेट पे अब चलिए हम मोमो की चटनी रेडी करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर मैंने दो टमेटोज़ लिया है रेड चिलीज़ ली हैं चार तो उसको मैंने फ़ाइव मिनट्स के लिए बॉयल कर लेना है ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि जो टमेटोज़ को ब्लैंच करने के लिए तो जब ये ठंडे हो जाए तो आप इसका छिलका पील कर लीजिए और इसको ठंडा हो जाने दीजिए देन आप इसको एक ब्लेंडर में ऐड करिए उसमें आप ऐड करिए हाफ टी स्पून सोया सॉस तीन से चार गार्लिक्स तीन से चार आप बादाम ले सकते हैं बट इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल सॉल्ट अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए वन टी स्पून आप सिरका ले लीजिए एंड यहाँ पर आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं बट वो भी ऑप्शनल है अब आप इसका एक फ़ाइन पेस्ट रेडी कर लीजिए तो यहाँ पे देखिए मोमो की चटनी भी रेडी हो गई है तो अब आप मोमोज़ को इस चटनी से सर्व करिए बहुत ही अच्छा बन के रेडी हुआ तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये मेथड मोमोज़ का पसंद आया हो अच्छा लगा हो आपकी आपको ये मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए